बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम रुबाब फ्रॉम गौहर पब्लिशर। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम माशी तलूम जमात मंजुम बाप नंबर 3 रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। बाप नंबर 3 रियासत और हुकूमत, सफ़ा नंबर 36। मकामी हुकूमत की साख्त साजी। जिस तरह वफाकी हुकूमत के लिए सारे मुल्क की देखभाल करना मुमकिन नहीं होता और मुल्क को सूबों में तकसीम करके अख्तियारात सूबों और वफाक में तकसीम कर दिए जाते हैं, इसी तरह सारे सूबे की देखभाल करना एक सूबाई हुकूमत के लिए नामुमकिन होता है। चुनाचा सूबों में भी मुख्तलिफ अजला में तकसीम करके हर ज़िले में एक मकामी हुकूमत कायम कर दी जाती है, जिसे बल्दियाती हुकूमत भी कहा जाता है। मकामी हुकूमत 3 मदारिज में मुनकसिम होती है, ज़िला, तहसील, यूनियन कौंसल। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमत को तरक्याती फंड्स मुहैया करती है। मकामी हुकूमत के इदारों में ज़िलाई हुकूमत, यूनियन कौंसलर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियाँ और शहरी दिफा वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, जिस तरह से एक पूरे मुल्क को चलाना हुकूमत का काम नहीं है, इसलिए वो सूबाई असम्बलियाँ यानी सूबों में अपने इख्तियारात को, अपनी ज़िम्मेदारियों को सूबों में तकसीम कर देती हैं। इसी तरह से एक सूबे को भी चलाना कुछ लोगों का काम नहीं है, वो भी आगे से क्या करते हैं कि सूबे को वफाक में तकसीम कर देते हैं। और वफाक की आगे से फिर 3 मकामी हुकूमतें बनती हैं, जो कि ज़िला, तहसील और यूनियन कौंसल है। इनका क्या काम होता है? तरक्याती फंड्स मुहैया करना इनका काम है। जैसे हमारे इलाके की गलियां, नालियां, पानी का काम, जो भी काम हमारे इलाके के हो रहे होते हैं, उसका काम है ज़िलाई हुकूमत का काम है कि वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों की साख्त का मवाजना। अब हम मवाजना करेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या है, सूबाई हुकूमत क्या है और मकामी हुकूमत क्या है। वफाकी, फेडरल, सूबाई, प्रोविंशियल, मकामी, लोकल हुकूमतें तकरीबन एक ही साख बनावट के तहत काम करती हैं, मगर इन सब का दायरा कार मुख्तलिफ होता है। वफाकी हुकूमत तमाम मुल्क की निगरानी करती है, ठीक है, इस पॉइंट को अपने जहन में रखें, जबकि सूबाई हुकूमत सूबों की सतह पर काम करती है और इसी तरह मकामी हुकूमत बल्दियाती यानी शहरों की सतह पर काम करती है। ठीक है, आपको समझ में आया अब इसका फ़र्क? वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? वो पूरे मुल्क को देख रही है, सूबाई हुकूमत सूबे को देख रही है, जबकि वफाकी हुकूमत इलाकों को देख रही है, मकामों को देख रही है, शहरों को देख रही है। सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों की निगरानी करती है। सूबाई हुकूमत क्या करती है? मकामी हुकूमतों की निगरानी करती है, जैसे शहरों की निगरानी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईन। आईन कवानीन और असूलों के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिसके मुताबिक रियासत का इंतज़ाम चलाया जाता है। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें आईन के मुताबिक काम करने की पाबंद होती हैं। आईन तमाम हुकूमतों को अपने कानूनी और इखलाकी दायरे कार में रहने का पाबंद करता है। आईन ही शहरियों को के हकूक़ और फ़राइज़ का तायुन करके मुल्क में अमन की ज़मानत देता है। मुल्क के तमाम शहरी हर सतह की हुकूमत आईन की अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मौजूदा आईन में 1973 में इसी वक्त की कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। आज भी 1973 का आईन ही पाकिस्तान में राइज है। तो बच्चों, आईन क्या है? एक असूल जो है बना दिए गए थे 1973 में, जिसके मुताबिक आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिसमें इंसान हमारे पाकिस्तानी शहरियों के हकूक और फ़राइज़ बता दिए गए थे, जिसके मुताबिक हमारी असम्बलियाँ और हुकूमत काम कर रही हैं। आईन की अहमियत। एक पुरअमन माशरे और किसी भी मुल्क के मामलात को चलाने के लिए आईन की बहुत ज़रूरत और अहमियत होती है। आईन पर अमल पुरअमन माशरे की ज़मानत है। मसलन, आईन पाकिस्तान हमें बताता है हर शहरी की हदूद क्या है, यानी हर शहरी को क्या और कहाँ तक करना चाहिए। सफ़ा नंबर 48। तो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि आईन की अहमियत क्या है। अगर आईन ना बना हुआ होता तो शायद हमारे जो इतने हकूक़ हैं, हमें ये हकूक़ ना मैसर हो रहे होते और हुकूमत के ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये शायद हमारे लिए इतना काम ना करते। हुकूमती मदारिज की तकसीम और वजाहत कैसे की जाए?
क्या कानून लीगल है या गैर कानून या इलीगल है, एक शहरी के क्या हकूक होते हैं और क्या फ़राइज़ होते हैं। मसलन रियासत की जानिब से बुनियादी ज़रूरियात की फरामी एक शहरी के हकूक हैं। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि एक शहरी के क्या हकूक हैं, जैसे साफ़ माहौल, खुराक, लिबास, रिहाइश, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं और इसकी फरामी जो है वो एक हकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत के कवानीन और कवायद पर अमल करना, वक्त पर टैक्स यूटिलिटी बिल अदा करना एक शहरी के फ़राइज़ हैं। जिस तरह से हमारे हकूक़ की मैंने बात की, इस तरह से हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं और इन फ़राइज़ में हमारा यूटिलिटी बिल्स यानी गैस, बिजली, पानी के बिल्स अदा करना, कवानीन के ऊपर अमल करना, ये एक शहरी की अवलीन ज़िम्मेदारी है। एक हकूमत के क्या हकूक़ होते हैं और क्या फ़राइज़ होते हैं, ये तो एक शहरी के हकूक़ और फ़राइज़ थे। अब हम जानते हैं हकूमत के हकूक़ और फ़राइज़। हकूमत का हक है कि शहरी ईमानदारी से टैक्स अदा करें और हकूमत कवायद और कवानीन पर अमल करें। शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराम करना एक हकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आपने इसमें जाना कि आईन क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।